क्या आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, ये जो जगह है जहां मैं खड़ा हूँ, ये एक 5-स्टार होटल हुआ करता था एक समय पर। और आज ये कम्प्लीटली अबैंडन हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये भूतिया जगह हो, चेर्नोबिल डिजास्टर जोन में आ गया हूं मैं, ऐसा लग रहा है। एक नया दिन, एक नई रहने की जगह है। आज के दिन हम दोस्तों और अगले 2 दिन तक इस अपार्टमेंट में रुके हैं। ये लिटरली एक अपार्टमेंट है एक गांव में, यहाँ कोई होटल वोटल नहीं है। हमारी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है। इस छोटे से गांव में कोई रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट भी नहीं है खाने के लिए, तो अब हम बाहर निकल के जा रहे हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लोकेशन पर। अब जो इस अपार्टमेंट के ओनर है, उन्होंने यहाँ पे अच्छा सा गार्डन उगा रखा है। टमाटर उगने लग रहे हैं यहाँ पे, ये देखो लाल लाल टमाटर। ओशन का बढ़िया सा व्यू भी है यहाँ पर। हम जब लिविंग रूम में बैठते हैं, ओशन का व्यू दिखता है। एक बार फिर से हम बादल में आ गए हैं। यहाँ पर बड़ा ही क्लाउडी और मिस्टी वेदर हो रखा है। इस वेदर के बीच में ये रहा वो होटल और ये रहा एक फूड ट्रक जहाँ खाना मिलता है अच्छा खासा। वाओ, दिस होटल लुक्स रियली हॉन्टेड। यू डोंट सी इट, या यू डोंट सी इट बिकॉज इट्स राइट बिहाइंड। डेंजर, एंट्री फॉरबिडन। ये चिड़िया हमें वेंडिंग मशीन समझ रही है कि हम इसे खाना खिलाएंगे। It's like in a horror movie when everyone's like, don't go in, and the main character's like, I'm gonna go in. Entry forbidden, and that's exactly where we're gonna go. Like, there's this old haunted hotel where everybody dies, and then the main character is like, I'm gonna have a look, guys, it will be so much fun. What could go wrong, right? I think it's haunted. A babe. तो यहाँ मीलों दूर तक कुछ और रेस्टोरेंट खाने की जगह नहीं है, बस ये एक फूड ट्रक था। और इसकी रेटिंग एक्चुअली में 5.0 है गूगल रिव्यूज में देखोगे तो, और 200 से ज्यादा लोगों ने रेट किया, तो अपेरेंटली इतना अच्छा है। देखते हैं इसका वीगन बर्गर खाकर कैसा है। My mouth can't. Too small. The mouth is simply too small for a burger like that. I didn't bite the inside. Yeah, yet. Same for me. The first few bites were. How is it? Very tasty. Yeah. It's echoing. Hello. Oh my god. It is echoing. Oh my god. Like anybody there? हम एंट्रेंस की तलाश कर रहे हैं। Wait a second. I think this might be it. This is where they meant when we see the wall. It seems a bit dangerous. Quickly go before the car comes. Well, quickly. All today. Oh my god, you're making me wet here. Did you mean climb over the wall? You said there's some roots where you can climb up on. यहाँ से तो एंट्रेंस नहीं दिख रही है क्योंकि ये दीवार काफी ऊंची है, इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। कहीं और से देखते हैं। यहाँ से रास्ता मिल गया है। Oh my god, looks crazy. कमाल का दिख रहा है तो। क्या हालत है, सही में ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है चेर्नोबिल में आ गए हो। आज बारिश का मौसम शायद से आइडियल टाइम नहीं था यहाँ आने का, क्योंकि पूरा कीचड़ हो रखा है यहाँ पर, पैर नहीं रख सकते। ओ वाह, ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है जो अंदर जाता है। That looks really like some nuclear disaster or something. That's what I imagine Chernobyl looks and feels like. Wow. Even though there is no radiation here, it feels like I would get some radiation sickness being here. Also look up there, random stuff. And these creepy, falling creepy down. Drawings. This is not even the creepy one. The face looks creepy. This is creepy. What is creepy? Oh. No, I don't mean this one. I mean the one, this one. This one behind. Just kidding. There are other people also here. Where? I hear some people. Oh, look, they used to have the nice tiles. Oh, true. Okay, but don't go through there. Let's stay on the walking path. Yeah. You can come here slowly. This is the real hallway here. I already see where the elevators used to be. वहाँ पर लिफ्ट हुआ करती होंगी और ये इनका रिसेप्शन एरिया होगा और 3 फ्लोर अंदर आप देख सकते हो कैसे है।
इस होटल का नाम है या था मोंटी पैलेस होटल, और अपने जमाने में जब ये बनाया गया था लेट 1980s में, ये एक 5-star लग्जरी होटल था। लेकिन बनाने का डिसीजन एक बहुत ही खराब बिजनेस डिसीजन था, क्योंकि उस समय में अजोर्स में ट्रैवल इतना होता नहीं था, तो टूरिस्ट आए नहीं, बिल्कुल फ्लॉप रहा ये होटल, और जो होटल के बनाने वाले लोग थे उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तभी आज ये हालत है इसकी, चारों तरफ जो आप देख सकते हैं, it's just dripping from the roof and stuff. That's what you're wearing right now. Yeah, yeah, but the water just that got collected is dripping. If you look closely, there is some hole in the wall, and this is an abandoned nest. As you can see, even in a place like this, life will find its way. Right? Yeah, and look at this area. This must have been a reception area at some point, and now it's full taken of over flowers. Yeah, because life will find its way. Like, imagine people used to walk in here wearing suits normally and then going there for a check-in. And now the only person around is Antonio here looking at you with his monkey face. Antonio rules. It's so crazy to imagine that this place was a 5-star luxury place at some point. Yeah. Going to the collapsing building. Yeah, let's go. कीचड़ अवॉइड करने के लिए ये जो भी नीचे गिरे हुए हैं इन पर पैर रख रख के जाना पड़ रहा है, और एक्चुअली में ये गिरे तो ऊपर से ही है। बहुत ही डार्क है जगह, ये सीढ़ियां जो ऊपर जाएंगी, और the tiles here are intact for some reason. Right? यहाँ थोड़ा ड्राई है होटल, this looks better. You can see that they tried to make it nice. Back then, right? Yeah. This was the architectural style. The hotel had a view also. See it on top? Wow. You know how we always imagine would happen if humans disappeared from Earth and how nature would reclaim everything? They always show it exactly like this, with all these plants growing on the roof. It doesn't even come on camera because of the fog. There's literal trees growing on the roof. It's exactly how people imagine it. It just took 40 years for this to happen. Late 1980s to today. Humans disappeared completely from the whole world. The whole world would look like this. Yeah, sure. Trees on top. What's this white thing actually? हम एक्चुअली में वहां से अंदर घुसे थे, पूरा घूम के वापस आए यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है यहाँ जाया ही नहीं जा सकता, प्लांट्स ने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया, इतने पेड़ पौधे उग गए हैं और कबूतर रहने लग रहे हैं। ये लकड़ी का ढांचा यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन बाकी जगह पर पूरा टूट चुका है। ये चीज एक्चुअली में थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये लकड़ियां गल गल के पानी में नीचे गिर सकती हैं कभी भी। ये देखो इस कंक्रीट ब्लॉक की क्या हालत हो गई है, इन मेटल की चीजों पर बिल्कुल जंग लग चुका है। यहाँ से वो पूरी पाइप टूट गई, और इसके ऊपर जो सेपरेशन था कमरों के बीच में वो खत्म हो चुका है। इस एंगल से होटल का नाम दिख रहा है, जिसमें से कुछ लेटर्स निकल के गिर चुके हैं, बस मोंटी का एम गया तो ऑन्टी बचा है सिर्फ, और पैलेस का पी सी गया। एक्चुअली में यहाँ पर आना काफी डेंजरस है, क्योंकि अंदर जब जाओगे तो दिखता है कि कोई भी चीज कभी भी सर के ऊपर गिर सकती है, कोई भी कंक्रीट का टुकड़ा गल के निकल सकता है। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमने जो टूरिस्ट की गाइड बुक्स है उनमें पढ़ा कि ये एक टूरिस्ट साइट है। बाहर लिखा गया है कि अंदर आना मना है, लेकिन उन सारी ट्रैवल वेबसाइट्स पर जो और यूट्यूबर्स यहाँ गए थे सबने कहा था कि कुछ नहीं हो रहा, जा सकते हो अंदर। लेकिन अब यहाँ आके पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्चुअली में जहाँ लोगों को आना चाहिए, क्योंकि काफी डेंजर लग रही है। स्टेयर केस की क्या हालत हो चुकी है यहाँ पर, कोई मैं नीचे तो नहीं जा रहा। ये बंदे का फोटो याद है, हम यहाँ से आए थे पर कहीं बीच में से गए थे, तो अब इसके ऊपर से चलकर वापस जाना पड़ेगा। ये देख रहे हो ना, ये ऊपर इतनी जो शार्प चीजें हैं ये कभी भी नीचे गिर सकती हैं, तो इसलिए ये सेफ नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी आना।
चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं, मेरी आवाज यहाँ भी गूंजने लग रही है। यहाँ से वापस चलते हैं और कोई एक्चुअल टूरिस्ट अट्रैक्शन देखते हैं। सब कुछ गीला गीला इस जंगल में। ड्रोन पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ गया है क्योंकि इतनी ह्यूमिड एयर में, इतने बादलों में, मिस्ट में इसे उड़ाया है। पता है क्या हो रहा था, जब मैं वहां उड़ाने लग रहा था इसे, तो इसका नीचे का सेंसर काम करना बंद कर गया। और फिर इसे लग रहा था जब ये हवा में था होटल के ऊपर कि लैंडिंग की जगह आ चुकी है, जमीन के बहुत करीब है, तो हर बार अपने आप लैंड होना चाह रहा था किसी तरीके से। फिर मैं इसे यहां लेकर आया और यहां पर लैंड कराया। मैं एक्चुअली मैं ड्रोन को और अंदर की तरफ लेकर जाना चाहता था होटल की, ताकि एटलीस्ट रूफ से थोड़ा नीचे ले जाया जा सके, क्योंकि कुछ बड़े बड़े होल्स थे, लेकिन जिस तरीके से इसके सेंसर्स अनस्टेबल हो रहे थे, तो मैंने सोचा इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये ड्रोन भी वहीं दफन हो जाएगा बाकी और चीजों के बीच में इस अबैंडन्ड होटल में। यहाँ एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया व्यू दिखता है लेक का, लेकिन सब कुछ इतना मिस्टी हो रखा है तो कुछ दिख नहीं रहा। हम एक और व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं जो 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, होपफुली वहाँ थोड़ा व्यू बेटर हो। इन 4 मिनट्स No. Who knows, you know, in this place, the weather can be different just 5 minutes Anything away. Anything is possible when we're 3 minutes. क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है। 2 मिनट नीचे आए और ऑलरेडी इतना क्लियर हो गया। Yeah, I told you it makes such a big difference in this place. Over there, so 2 kilometers makes the difference between completely foggy, cloudy and seeing this much. Let's see once we get. देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ से। Miradouro do Cerrado das Freias. This is one of them actually. You see the whole lake. Yeah, I told you it's clear. ये है चमत्कार यहाँ पे 4 मिनटों का। 4 मिनट नीचे आए पहाड़ी से और पूरी लेक दिख रही है। Somewhere in another city, I might be ready. हमारी नई नई चमकीली सी गाड़ी पर एक पॉटी का निशान आ गया, पता नहीं किसी चिड़िया ने। तो पीछे वाले व्यू पॉइंट से सिर्फ 300 मीटर आगे एक और व्यू पॉइंट है। पीछे वाला व्यू पॉइंट इस तरफ की लेक का व्यू दिखा रहा था और ये वाला व्यू पॉइंट इस तरफ की लेक का व्यू दिखा रहा है। हमारे दोनों तरफ एक लेक है। वाओ, दिस लुक्स इवन बेटर, इवन कूलर। I got it. It looks epic. You're getting it? Yeah.